तो यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आप जो है यहाँ पे कोरोना वायरस के केस जो है वो लाइव कैसे देख सकते हो, मतलब कितनी डेथ हो चुकी है, कितने लोग मर चुके हैं और कितने यहाँ पे जो है कोरोना वायरस के जो है अभी तक लोग शिकार हो चुके हैं, तो वो अभी आप लाइव देख सकते हो। तो अभी आपको बहुत सारी न्यूज़ वगैरह नहीं देखनी पड़ेगी, बस आपको एक दो मिनट में ही आप उसे चेक कर लोगे कहाँ पे कितना जो है फैल चुका है और कितने लोग इससे जो यहाँ पे हो चुके हैं इसका शिकार और कितने लोग मर चुके हैं किस देश में। तो पूरी दुनिया का आप ये देख सकते हो, इंडिया का देख सकते हो, हर किसी जोन से भी आप कंट्री का देखना चाहते हो उसका देख सकते हो और देख के आप पता लगा सकते हो कितने केस यहाँ पे हो चुके हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार करना कुछ नहीं, आपको पता ही है कोरोना वायरस चल रहा है अभी सब, अभी लोग आम लोग सभी जो है घर पे बैठे हुए हैं बंद, और सभी से मैं भी यही बोलना चाहूंगा आप सबसे, आप भी घर पे रहिए और सेफ रहिए और गरीबों का ख्याल रखिए, जो आपके आसपास वाले हैं जो आपसे दूर हैं तो उनका ख्याल रखिए, खाना खाया नहीं खाया उनका ज़रूर से आप जो है ध्यान रखें और अपना भी ध्यान रखें। तो चलिए मैं आपको बता दूँ सबसे पहले करना क्या है। सबसे पहले तो बस आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे जाने के बाद आपको जो है वहाँ पे सर्च करना है कोरोना वायरस केस। तो कोरोना वायरस केस आपको वहाँ पे जैसे आप लिखोगे लिखते ही आपको जो वहाँ पे सर्च करोगे सर्च करते ही आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा क्या, आपको वहाँ पर सबसे ऊपर में जो वेबसाइट आ रही होगी वो वही वाली है कोरोना वायरस अपडेट लाइव। तो वहाँ पे वो जो आ रही है लाइव वाली उस पर क्लिक करो, जैसे ही क्लिक करोगे तो इस वेबसाइट पे सबसे ऊपर में ही आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे कितने केस हो चुके हैं और साथ में उसके ऊपर आपको लास्ट अपडेट देखने को मिलेगा, मतलब किस टाइम ये अपडेट हुई थी वेबसाइट। तो वहाँ पर 27 मार्च कुछ ऐसा लिखा हुआ है, उसके बाद टाइम लिखा हुआ है, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो नीचे कितने अभी तक जो है पूरी दुनिया में केस हो चुके हैं कोरोना वायरस के। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 5,66,000 कुछ हो चुके हैं और उसके नीचे में आप देख पाओगे कि यहाँ पे इसमें कितनी डेथ हो चुकी है। तो यहाँ पे अभी जो है 25,000 से ज़्यादा जो है यहाँ पे डेथ हो चुकी है पूरी दुनिया के अंदर, और यहाँ पे आप देख सकते हो उसके नीचे लिखा मिलेगा आपको रिकवर, मतलब कितने लोग इससे भी जो है रिकवर बच चुके हैं और कितने लोग यहाँ पे वो देखते हैं आप 1,14,000 कितने 13,000 के करीब जो है वो यहाँ पे हैं तो रिकवर हो चुके हैं। उसके नीचे आप जैसे थोड़ा सा स्लाइड करोगे उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा, तो यार यहाँ पे आपको नीचे में देखने को मिल जाएगा, जैसे आप स्लाइड करोगे थोड़ा सा वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक्टिव केस कितने हैं, मतलब अभी एक्टिव केस कितने हैं। तो वहाँ पे आप देखें इन माइंड कंडीशन में आप देख सकते हो कितने अभी जो है वहाँ पे कंडीशन में, और उसके बाद जो सीरियस कंडीशन में वो बराबर में आपको देखने को मिल जाएंगे जो 21,000 के करीब हैं। उसके बाद आपको जो नीचे में एक और देखने को मिलेगा, वहाँ पे देखने को मिलेगा आपको क्लोज केस, जो केस अभी बंद हो चुके हैं, तो उसमें आपको टोटल में देखने को मिलेगा एक साइड में आपको डेथ कितने मतलब जो है मर चुके हैं लोग, और उस दूसरी साइड में जो रिकवर हो चुके हैं जो ठीक हो चुके हैं। तो दूसरे उसके नीचे फिर आपको स्लाइड करना है, स्लाइड करते ही फिर और उसके नीचे आपको एक ग्राफ से देखने को मिलेगा जिसमें आपको 22 जनवरी से जो है स्टार्ट हुआ था, तो 22 जनवरी से स्टार्ट होने के बाद ये आपको दिखाई दे रहा है वहां पे किस किस कितनी कितनी उससे बढ़ा है। तो आप अभी देख सकते हो 6 लाख के करीब पे जो है वो जा चुका है, मतलब जो है 5,66,000 के करीब हो गया, उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा। तो टोटल डेथ भी कुछ इस तरह ही आपको देखने को मिलेगा, वहां पे जितने कैश बढ़ रहे हैं इतनी ज्यादा जो है यहाँ पे डेथ हो रही है। तो उसके नीचे आपको जो है सारे जो है यहाँ पे देश आ जाएंगे, मतलब 199 कंट्रीज में अभी जो है फैल चुका है क्या कोरोना वायरस, तो अभी फैल चुका है। उसके नीचे आपको सारी कंट्रीज के नाम आ जाएंगे और सारी कंट्रीज के एक साइड में आपको नाम देखने को मिलेंगे। उसके बाद आप जैसे कि अभी आप सबसे ऊपर में देख सकते हो यूएसए, तो यूएसए में आप भी देख सकते हो आप 93,000 के करीब जो है यहाँ पे कैश हो चुके हैं, कहेंगे भाई कोरोना वायरस से जो अभी कैश हो गए हैं। उसके बाद आप देखते हो उसमें जो है सेकंड नंबर पर आपको देखने को मिल रहा है न्यू कैश, तो 93,000 हो गए, उसके बाद आपको न्यू कैश देखने को मिल रहे हैं 700 जो है कुछ प्लस, उसके बाद आपको टोटल डेथ देखने को मिल रही है, तो कितनी जो है यहाँ पर डेथ हो चुकी है 1,300 के करीब। उसके बाद आपको जो है न्यू डेथ, मतलब जो अभी 24 घंटे के अंदर अंदर जो है अभी डेथ हुई है वो आपको देखने को मिली है। उसके बाद आपको टोटल रिकवर यहाँ पे देखने को मिलने हैं, कितने लोग की वहाँ पे जो है रिकवर हो चुके हैं, उसके बाद आपको वहाँ पे जो है कितने सीरियस कंडीशन में हैं, तो वो सभी आपको बताए जा रहे हैं। तो इसी तरीके से आप सभी देश के यहाँ पे देख सकते हो, इटली में जो अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्पेन में, चाइना में, वो अभी आप जो है तो जो यहाँ पे आपको साइड में दिया जा रहा है जो सबसे ऊपर आ रहे हैं वो अभी यूएसए में सबसे ज़्यादा कैश हो चुके हैं। उसके बाद आपको वहाँ पे उसी के हिसाब से सारे नीचे में आपको सारे जो है कंट्री देखने को मिल जाएगी कि किसमें कितने जो यहाँ पे कैश हो चुके हैं, उसके बाद आपको न्यू कैश, उसके बाद डेथ, उसके बाद जो है न्यू डेथ। तो इसी तरीके से आप सभी कुछ उसमें चेक कर सकते हो। दूसरा तरीका है यहाँ पे आपको एक सर्च का बटन देखने को मिल जाएगा, तो आपको सर्च वाला जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर अगर आप यहाँ पे लिखोगे कोई सी भी कंट्री का नाम तो वो कंट्री आपके सामने आ जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे इंडिया लिखता हूँ तो यहाँ पे इंडिया लिखते ही मेरे सामने इंडिया का फुल जो है यहाँ पे सभी कुछ आ गया, जिसमें इंडिया में कितने कैश हैं अभी, उसके बाद न्यू कैश
कितने हैं, डेथ कितनी हो गई, 20 के करीब डेथ हो चुकी हैं अभी भी इंडिया में और 700-800 के करीब जो है भी कैश हो चुके हैं। और ये वेबसाइट की यही अच्छी बात है, इस पर आपको सारा डाटा तो मिल ही रहा है, प्लस ये लाइव चलती रहती है, हमें लाइव पता लगता रहता है इसमें अभी कहाँ कितने हो चुके हैं और कहाँ कितना क्या हो चुका है। तो यार ये बहुत ही ख़तरनाक अभी जो है चल रहा है, और जो है मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा फिर से कि आप लोग इसे जो है, हम सब लड़ रहे हैं इससे, हम सब ये जंग लड़ रहे हैं, तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा हमें जंग जीतनी है। और जो है आपको सबको घर पर रहना है, और बाहर जा रहे हो मास्क लगा के जाओ, और काम ज़रूरी अगर काम से जा रहे हो तभी जाओ यार, फालतू में फिरने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो घर पर रहो और सेफ रहो, और जो है बाहर जा रहे हो मास्क लगा के जाओ, और गरीबों का जो है वो ख्याल रखो, क्योंकि बहुत अभी जो हालात चल रहे हैं ना, तो भाई अभी किसी बंदे ने 4 दिन से खाना नहीं खाया है, किसी बंदे ने 3 दिन से खाना नहीं खाया है, तो आप सभी का जो भी आपको कुछ ऐसे लोग दिखते हैं तो आप चाहे 1 मीटर की 2 मीटर की दूरी बना के रखो, लेकिन उनका ख्याल भी रखो यार। तो आप जो है सेफ रहो, घर पर रहो, बस यही बोलना चाहूँगा। बस यही थी आज की वीडियो, आपको सभी कुछ लाइव अपडेट पता लगता रहेगा पूरी दुनिया का, कितने केस कहाँ हो चुके हैं, और आपको सभी कुछ ऐसे आप वेबसाइट पे इस पर चेक कर सकते हो, सभी कुछ मैंने आपको बता दिया। तो बस यही थी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मैं ऐसे ऐसे जो है अपडेट और काफ़ी सारी वीडियोज़ ला के देता रहूँगा जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।